فلج کننده دشمن نشود، باید از اول چشم رو باز کند، خود رو با او شریک بداند، با آن ملت مظلوم و زیر ستم. امروزی که نباید غفلت کنیم، باید حواسمون جمع باشه، دفترهای اسلامی و ملتهای اسلامی محکم ببندیم. The Life TV सच सबसे आगे। दोस्तों दिन रात इसराइल की पैरोकारी करने वाले लोगों ने जमकर झूठ उगला था, झूठ परोसा था। अब ऐसे लोगों के चेहरे पर कालिख पुत गई है। झूठ नंबर एक कि लेबनान में हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर इसराइल ने जो हमला किया था, बेरूत में जो हमला किया था, उसमें हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरुल्ला की मौत हुई, इंतकाल हुआ। जब भी हमला होता है तो उसके बाद उसमें किसी की जान जाती है, तो जिस पर हमला होता है, जिसकी जान जाती है, उसके शरीर पर कई निशान होते हैं। जांच में पता चला है कि किसी भी तरह का कोई भी निशान हसन नसरुल्लाह के शरीर पर पाया नहीं गया। वो बात अलग है, उनके इंतकाल के बाद अभी भी जांच चल रही है कि हसन नसरुल्लाह की मौत, उनका इंतकाल कैसे हुआ। झूठ नंबर दो कि लेबनान में शिया और सुन्नी के बीच विवाद शुरू हो गया था। हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर अटैक के बाद शिया और सुन्नी लेबनान में आपस में भिड़ गए थे, जबकि हर कोई जानता है कि जब फिलिस्तीन पर इसराइल ने अमेरिका के सहयोग से अटैक करना शुरू किया, तब शिया और सुन्नी के भेद को लेबनान ने, खासकर हिजबुल्ला ने भुला दिया था। उन्होंने इंसानियत देखी थी, उन्होंने मुसलमान भाइयों को बचाने के लिए एक अनंत युद्ध का ऐलान कर दिया था। झूठ नंबर तीन कि ईरान में भी कुछ ऐसे ही हालात पैदा हुए, जो फिलिस्तीन का साथ दे रहे थे, इसराइल का विरोध कर रहे थे, उनके खिलाफ ईरान के अंदर ही आपस में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया, जबकि फर्जी आईडी के जरिए तमाम झूठी खबरें प्रसारित की जा रही थी, और ये सारे झूठ एक साथ निकलकर सामने आए। जब उनको मैं आपको दिखाऊंगा तो आप हंस हंस कर या तो लोटपोट हो जाएंगे या फिर उन्हें लानतें भेजेंगे। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, एक एक सबूत सामने आया है कैसे इस दुनिया को, खासकर मुस्लिम भाइयों को भ्रमित करने के लिए, उन्हें गुमराह करने के लिए तमाम खेल किए जा रहे थे, लेकिन एक एक गुमराह करने वाले आदमी के चेहरे पर कालिख पुती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जी, ईरान का अटैक, और इस अटैक ने अमेरिका से लेकर इसराइल को तो बर्बाद ही कर दिया, अमेरिका से लेकर उन तमाम पिछलग्गू देशों की हवा टाइट कर दी जो लगातार हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर जो बेरूत में था उस पर हमले के फौरन बाद इसराइल की और नेतन्याहू की पीठ थपथपा रहे थे। ईरान ने बता दिया कि वो चुप सिर्फ इसलिए था क्योंकि ये पश्चिमी देशों ने वादा किया था कि इसराइल जल्दी ही फिलिस्तीन के साथ सीज फायर करेगा, लेकिन उसने बेरूत पर हमला करके अपनी हदें पार की, और यही एक वजह है जिसके चलते डंके की चोट पर ईरान ने इसराइल पर न केवल अटैक किया बल्कि उसे तबाह कर दिया। आज मैं दिखाने जा रहा हूं ईरान को लेकर जो झूठ फैलाया जा रहा था, उस झूठ की पोल खुल गई है। सबसे पहले बिना देर किए वीडियो देखिए। ये वीडियो आप देख सकते हैं, मैं बयान भी आपको सुनाऊंगा कमरे साहब का, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इनको तो आप पहचान गए होंगे, ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामेनेई। वैसे आप इन्हें सार्वजनिक जगहों पर देख नहीं पाते, कई वजह रहती हैं, कई वजह इनसे जुड़ी हुई, लेकिन जब ईरान ने इसराइल की औकात, उसकी हैसियत दिखाई, उसके बाद सार्वजनिक तौर पर तकरीबन 4 साल बाद ये आए। इन्होंने जब लोगों को संबोधित करने के लिए आए, उस वक्त भीड़ बेतहाशा आप देख सकते हैं। मैं ये तस्वीर, ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ईरान को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि ईरान में एक अलग से गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। बताया जा रहा था कि इसराइल के समर्थक ईरान की अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, लेकिन देख लीजिए सबूत सामने आ गया है। बस एक काम करिएगा, हमारे हाथ या जो लोग हैं उनके हाथ नहीं पहुंचेंगे, झूठ फैलाने के एवज में अपने ही चेहरे पर कालिख जरूर पोत लीजिएगा। करिश्मा अजीज है, उन्होंने ट्वीट किया, क्या लिखा, तेहरान में भीड़ ने जोरदार उत्साह दिखाया जब आयतुल्ला खामेनेई ने 2020 के बाद पहली बार शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व करने के लिए मंच संभाला। कौन कहता है इसराइल के डर से कोई छिप कर बैठा है, अरे ये वो बहादुर कौम है जिसकी डिक्शनरी में डर शब्द की कोई जगह नहीं है। दरअसल डरा कौन था, मैं अब आपको बता देता हूं। ये कहा जा रहा था पश्चिमी देशों की तरफ से, इसराइल की तरफ से, कहां है आयतुल्ला खामेनेई, डर गए, छिप गए, भाग गए। डरा कौन, कौन डरा, डरा नेतन्याहू।
बंकर में छुपना पड़ा, उनके लोगों को बंकर में छुपना पड़ रहा है। जी हाँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई दफा ऐसे हालात पैदा हुए हैं जब हूती लड़ाके हमला करते हैं, जब हिजबुल्ला हमला करता है, जब ईरान ने पहले भी अटैक किया था, तब तब नेतन्याहू बंकर के अंदर छिपे हैं। और ये इस बार भी ऐसा ही हुआ। खबर आई कि अपने सुरक्षित महल को छोड़कर नेतन्याहू बंकर में जाकर छिप गए। और अब देखिए, आयतुल्ला खामेनेई ने बताया है, वो डरे डरने वालों में से नहीं है। वो आए, आगे आकर संबोधित किया और उसने ईरान में और ऊर्जा का संचार कर दिया है। दरअसल ये सब क्यों है वो भी बता दूं। इससे थोड़ी देर पहले आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने खबर दिखाई थी कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट टू आ रहा है। जी हाँ, जैसे फिल्मों में नहीं होता, एक ही सीरीज हिट हुई दूसरी हिट आ रही है, तो एक सीरीज तो हिट हो गई है ईरान की हमले की, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस सीजन फर्स्ट बेहतरीन तरीके से हिट हुआ है। इस तरीके से हिट हुआ है कि भैया कल तक इसराइल ये मोसाद वो चीखने वाले, अब कह रहे हैं ईरान से बचकर रहना। तमाम वो देश जो लगातार पीठ थपथपा रहे थे इसराइल की बेरूत पर हमले के बाद, वो अब अपने नागरिकों से कह रहे हैं बाहर आ जाओ, निकल आओ, वक्त रहते हम नहीं संभाल पाएंगे। ये साफ हो रहा है। अब देखिए, आयतुल्ला खामेनेई ने डंके की चोट पर ऐलान भी किया, बताया, समझाया और क्या कुछ कहा है वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। पहले वसीम अकरम त्यागी ने भी इसी तस्वीर को ट्वीट किया, लिखा डियर शलमणी, ये वीडियो देखिए और अपनी ट्रोल गैंग को भी दिखा दीजिए, खामेनेई साहब खिताब कर रहे हैं, नियत्ते भी हैं, आप इसराइल के समर्थक बनकर खौफ खौफ कर अगर आप रहे थे ना, कहां है खौफ, याद रखिए। खैर, ये अपने अपने तौर तरीके हैं, कोई किसी को सही बताए कोई किसी को। मैं तो सिर्फ इसलिए फिलिस्तीन का साथ और देने की बात कहता हूं क्योंकि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी साफ कहा था कि इसराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया। मैं तो उनकी बात मानूंगा, ये नए दौर की नई राजनीति और नया इतिहास रचने वालों की बातों में सुनता नहीं हूं। खैर, अब आइए तीसरी खबर। ये उस वक्त की तस्वीर है जब खामेनेई साहब आए थे, उस वक्त लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और भीड़ देखिए, बेतहाशा भीड़। उमा शंकर सिंह है, बड़े पत्रकार है, उन्होंने कहा कि शुक्रवार की नमाज के लिए सार्वजनिक तौर पर सामने आए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई। मैं फिर कहता हूं कि जो कह रहे थे नेतन्याहू के लिए तारीफ कर रहे थे, नेतन्याहू को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो देखा ना, हाथ में जो पन्ना था कैसे कांप रहा था डर की वजह से, डर था कि कहीं एसी जिस बिल्डिंग में कर रहा हूं वहीं से मिसाइल ना गिर जाए। अब इसराइल की धमकी के बीच आयतुल्ला खामेनेई जब सार्वजनिक तौर पर सामने आते हैं, पता लगता है ना कौन डरा हुआ है। क्या आपने उस हमले के फौरन बाद कहीं नेतन्याहू को सार्वजनिक स्थान पर घूमते हुए देखा, बिल्डिंग छोड़ दीजिएगा, कहीं सार्वजनिक रोड पर चलते हुए घूमते हुए देखा, क्या ऐसे सार्वजनिक स्थान पर संबोधित करते हुए देखा? नहीं, वो आदमी बंद कमरे में, बंकर वाले कमरे में बंद होकर देश की जनता को गुमराह करने में लगे हैं। अभी एक और खबर है, क्या कुछ कहा पहले आयतुल्ला खामेनेई को थोड़ा सुन लेते हैं। हर मिल्लती अगर मिखाहत मुब्तलाय बे मुहासरे फलज खुनंदे दुश्मन नश। तो वाजिद खान ने ऐसे ट्वीट किया, लिखा ईरानी नेता अली खामेनेई क्या कहते हैं, हमें अफगानिस्तान से लेकर यमन तक सभी इस्लामिक देशों में रक्षा और संप्रभुता के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान के लोगों का दुश्मन उतना ही है जितना इराक है, लेबनान, मिस्र और यमन के लोगों का दुश्मन है। यानी उन्होंने केवल ये नहीं बताया कि लेबनान के साथ है, उन्होंने कहा मिस्र के लिए भी तैयार रहे, इराक के लिए भी तैयार रहे, यमन के लोग भी तैयार रहे, क्योंकि ये इंसानियत के दुश्मन भी है इसराइल के लिए। अब मैं कह रहा था ना, जो कल तक कह रहे थे कि भाई इसराइल ने तो करिश्मा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब वो क्या कह रहे हैं, अपने नागरिकों से भाग जाओ। और देखिए, लोग भागने के लिए तैयार हैं कि भाई इसराइल छोड़कर निकल जाओ। खबर है वॉइस ऑफ व्यूमेन ने इसे ट्वीट किया, इस वीडियो को लिखा, वे सभी यूरोपीय नागरिक अब वे अपने असली देश वापस लौट रहे हैं, आप क्यों उन्हें जबरदस्ती इसराइल में रखकर फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करते हैं? दरअसल इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि पता लग गया है कि जल्द ही देश का नक्शा, दुनिया का नक्शा बदलने जा रहा है। इसराइल का पता नहीं, लेकिन हाँ, अगर यहां रुके तो इसराइल तो खत्म होगा ही, उनकी भी जान पर बना सकती है। नमस्कार। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।